बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गुब्बी स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ आलू के समोसे बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। इनको मैंने उबाल के अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। ये 1 कप मटर ली हुई है, 2 मैंने हरी मिर्च ली हुई है, इनको बारीक काट लिया है। अब 1 कप ये हरा धनिया होगा, और ये है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल दही पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1 चम्मच मैंने इसके लिए लिया है पिसा हुआ जीरा पाउडर यानी क्यूमिन सीड पाउडर। ये मैंने भूना नहीं है, ये सिर्फ जो जीरा होता है उसको ग्राइंडर में डाल के उसको पीस लिया है। और ये 2 चम्मच मैंने इसके लिए कसूरी मेथी भी ली है। और चलिए आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हरा धनिया, हरी मिर्च, मटर। मुझे मटर जो है ये मुझे बाजार में फ्रीज किए हुए मिल गए थे, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है इसलिए मिलेगा नहीं। अगर मटर आपको अवेलेबल ना हो तो आप ना डालें। इसके अब मैं ये सारा मसाले इसमें डाल रही हूँ। कसूरी मेथी, अब हम इसको चला देंगे अच्छे से, और जब तक चलाएंगे जब तक ये सारा मसाला और आलू एक जान नहीं हो जाते। आप ये करें कि इसको थोड़ा सा जब एक जान हो जाए, इसको अच्छे से मसाले को मिला लें, तो इसको थोड़ा सा चख के देख लें ताकि आपको नमक और मिर्च का अंदाजा हो जाए। ये जो है मैंने मसाला मिला के रख दिया है, और अब हम जो है अपनी होममेड पट्टी जो है समोसा बना के रखी हुई, समोसे की होममेड पट्टी बना के रखी हुई है, हम इसमें इसकी जो फिलिंग है वो इसमें इसको भर के तलेंगे। मसाला मैंने तैयार कर लिया है, और अब ये मैंने अपनी जो है पट्टी जो है निकाल ली है, और इसमें मैं सबसे पहले आलू रखूंगी। इसको मैं घुमा देती हूँ। यहां से दबाएं इसको ऐसे, तो इसको ऐसे ले लें यहां से सीधा, और एक प्याली में आपने ये करना है कि मैदा घोल के रख लेना है। कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी गाढ़ी ही रखें। ये देखिए, इस तरीके से मैं 1-2 समोसा और तैयार करने वाली हूँ। ये देखिए, इसको अभी इधर रख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी जो छोटी बेटी है उनको माशाल्लाह से बहुत पसंद है आलू के समोसे। ये देखिए कितनी आसानी से। अब मैं एक और बनाने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़े आलू और भरे जा सकते हैं। ये
ये देख, ठीक है। और अब मैं इनको फ्राई करने जा रही हूँ। मैंने चूल्हे को जला रखा था पहले ही, और अब मैं इसके अंदर ही डालने जा रही हूँ। और जो है उसको मैंने फ्लेम को सिम पे रखा हुआ है। अभी हम थोड़ा सा इसको होने देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा फ्लेम मीडियम पे ले आई हूँ। अभी मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है इसको। ये मैं निकालने शुरू कर दिया। देखिए ये हो गया था, ये भी हो गया है। ये हमने इसको पेपर टॉवल पे निकाल लिया, और मैं बाकी के भी निकाल लूं, इसी तरह निकाल लूंगी। ये होममेड समोसा मैंने सर्व कर दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद में एक छोटा सा नन्ना सा बेल आइकॉन होगा, उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।